देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। जैसे जैसे प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे पुलिस और छात्रों के साथ साथ छात्र नेताओं में भी टकराव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी कल हुआ ऐसा ही एक वाकया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गाड़ियों को यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश दिए जाने पर NSUI ने किया प्रदर्शन और दिया धरना। NSUI का कहना है कि जब हमारी गाड़ियों को बाहर ही रोका जा रहा है तो अन्य को क्यों नहीं। इसी मुद्दे पर NSUI के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में छात्रों ने मुख्य द्वार के बाहर दिया धरना। NSUI अभिमन्यु का कहना है कि पुलिस प्रशासन हमेशा एक तरफा कार्रवाई करता है, जिसके चलते आज यह आक्रोश देखने को मिला है। इसी दौरान NSUI कार्यकर्ता उग्र हो गए। इसी के चलते पुलिस ने वहां पर बल का प्रयोग किया, जिसमें महासचिव के प्रत्याशी महावीर गुर्जर घायल हो गए। वहीं फिलहाल मौके पर शांति की बात सामने आ रही है। प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि हमारी प्रशासन से सिर्फ यह गुजारिश है कि दोषी पुलिस वालों को यहां से हटाया जाए। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।